तो आज हम करेंगे कीबोर्ड कवर की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो चलिए शुरू कर दें। नहीं तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो ये कीबोर्ड कवर है, मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा। तो ये कीबोर्ड कवर आप तीन लैपटॉप में यूज कर सकते हैं, नाइट्रो 5, ट्राइटन 300 एंड प्रेडेटर में। ओह माय गॉड, वाओ। तो तीनों लैपटॉप में आप कीबोर्ड कवर यूज कर सकते हो, क्योंकि तीनों लैपटॉप में हमें जो कीबोर्ड देखने को मिलता है बिल्कुल सेम है, बस 2020 वाले मॉडल होने चाहिए लैपटॉप के। तो कर लेते हैं फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग। तो मैंने अभी तक इसको खोला तक नहीं है, अंदर से क्या निकलेगा कुछ पता नहीं है। अमेजोन से मंगाया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका, एंड कुछ और मॉडल्स का भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाइक लिनोवो के जौन से लैपटॉप्स हैं एंड एसर के एंड एसयूएस के टफ का भी मिल जाएगा। तो सभी का लिंक आपको लिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। शुक्र है अंदर है तो। तो ऐसे गत्ते में आपको पैकिंग देखने को मिलती है, प्रिंटिंग बहुत ही बेकार है, 382 रुपीज़ है। तो बाकी आप लिंक से चेक कर लेना। तो आपको क्या क्या मिलता है गत्ते में, तो ये कीबोर्ड कवर मिलता है, साथ में इन्होंने एक प्रेम पत्र दिया हुआ है, तो ये पढ़ लेना आप। तो ये है हमारा कवर, चिकलेट कीबोर्ड स्किन है, एंड ये मैंने ट्रांसपेरेंट वाली मंगाई थी, बाकी ब्लैक कलर वाली भी आती है, तो भी आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक तो है ही। तो ऐसी पैकिंग में आपको देखने को मिलती है। तो करते हैं उसे अनपैक। यार LD यूज़ की गई है, तो निकालते हैं हम बाहर, तो बहुत ही आराम से निकल जाता है। तो ये अच्छा किया उन्होंने LD यूज़ करके, नहीं तो दूसरी पन्नी में चिपक जाता था वो कीबोर्ड कवर ही। अरे अरे गंदा निकला थोड़ा सा, चलो कोई नहीं, इतना चलता है। अरे निकल जा, तो ये रहा हमारा कीबोर्ड कवर। तो ये ट्रांसपेरेंट है, तो मैं ट्रांसपेरेंट ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि RGB लाइट दिखती रहती है एंड कीज के जो मेंशन है, मतलब नंबर जो मेंशन है वो भी दिखते रहते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी की बात कुछ भी कर लेते हैं, तो रबड़ का बना हुआ है एंड कैसी बिल्ड क्वालिटी है तो ये तो पता नहीं, क्योंकि इससे बेटर तो कोई आता नहीं है, एक ही ऑप्शन है हमारे पास, तो बिल्ड क्वालिटी क्या बताऊंगा इसमें आप। एंड ये वॉशेबल भी है, तो आप इसे धो सकते हो, गंदा हो जाता है तो आप मरोड़ भी सकते हो उसे, तो कोई भी मतलब टेढ़े मेढ़े निशान वट वगैरह नहीं आते। तो अब लगाते हैं लैपटॉप में, देखते हैं कैसी फिटिंग वगैरह है एंड RGB कितनी दिखती है। तो एक ओवरव्यू दिखाता हूँ आपको लगा के। तो इसे लगाने से पहले एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि आपको ये यूज़ तभी करना है जब आपको टाइपिंग वाला वर्क करना है, या आपको लैपटॉप का नॉर्मल यूज़ जब करना है तब। अगर आपको गेमिंग करनी है या आप कोई भी हैवी टास्क करते हो या वीडियो एडिटिंग करते हो, तो तब आपको ये यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आपकी कीज़ के अंदर से भी हीट निकलती है बाहर, तो वेंटिलेशन के लिए आपको नहीं लगाना ये, मतलब जब आपको टाइपिंग वाला कोई हल्का फुल्का काम करना है ना, तब आपको यूज़ करना है। तो आप लगाते हैं, बड़ा इजी सी गा यार था वो, जूम करके था ना। तो देखो यार बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग आई है, एक भी की से उधर उधर फिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, मतलब पूरा प्रॉपर फिटिंग है, ऐसा एक भी नहीं लग रहा कि एक की भी ऊपर नीचे हो। तो बिल्कुल प्रॉपर कटिंग वाला है एंड प्रॉपर मतलब सही है पीस मतलब। तो बाकी टाइपिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो थोड़ी सी हार्ड तो होगी, कि जब रबड़ ऊपर लगेगा तो थोड़ा प्रेशर तो ज़्यादा लगाना ही पड़ेगा। बाकी बंद करने की देखते हैं, बंद हो जाता है तो ढक्कन पूरा हो जाता है बंद। हाँ नीचू नीचू, हाँ तो बंद तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ मैं उनको रिकमेंड करूँगा जो ताबड़तोड़ टाइपिंग करते हैं, तो उनको मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि जब आप टाइपिंग करोगे हाथ से पसीना आएगा, उससे आपके जो नंबर्स हैं वो मिट जाएंगे, तो इसके लिए ये बेटर है, जिसके बाद आपके नंबर नहीं मिटेंगे अगर आप ताबड़तोड़ टाइपिंग करते हो तो। तो उनको मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं ऑर्डर देता हूँ जाके अभी खरीदो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड गलती से लैपटॉप के ऊपर पानी भी आपका अगर कीज़ के ऊपर गिर जाता है, तो अगर आपको ये लगा हो तो पानी ऊपर ऊपर ही रहेगा, अंदर नहीं जाएगा, जिससे आपका लैपटॉप का मदरबोर्ड बच जाएगा या कीबोर्ड बच जाएगा। चलो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, अगर आपने मार जाएगा सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब ठोक के जाना यार।